गुड आफ्टरनून एवरी वन. टूडे वी विल रिवाइज लेसन 7 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7. इससे पहले आप फॉर्मूले देखिए. इस चैप्टर में फॉर्मूले कौन से यूज होंगे. सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स. इस चैप्टर में आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इसके लिए सबसे पहले आप अमाउंट फाइंड करेंगे. A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, जो ये अमाउंट की वैल्यू आएगी इसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा. नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में हाफ ईयरली या सेमी एनुअली गिवन है, जैसे इसमें देखो हाफ ईयरली गिवन है, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, हाफ ईयरली, इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप 2 से डिवाइड करके वो वैल्यू यूज़ करनी है. सपोज आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गिवन है, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5% आएगा, ये आप क्वेश्चन में यूज़ करेंगे. हाफ ईयरली या सेमी एनुअली में रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना है एंड टाइम को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में क्वार्टरली मेंशन किया हो, जैसे ये है क्वार्टरली, उस केस में आप क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करना है एंड टाइम को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन करवा देती हूँ. 7th, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 1.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअल. इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो वैल्यूज़ लिखनी है. प्रिंसिपल आपको गिवन है 2000, वो आपने लिखा. टाइम आपको गिवन है 1.5 ईयर्स, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 1 + 1 3/2 आएगा. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है 7th में हाफ ईयरली, सेमी एनुअली. ठीक है, तो सेमी एनुअली की केस में आपको टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया. ये टू कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आई, 3 हाफ ईयर्स. आप यहाँ ईयर्स नहीं लिखेंगे, हाफ ईयर्स लिखेंगे, क्योंकि हमें इसमें सेमी एनुअली बोला हुआ है. रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% है, उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, 5% आएगा. सेमी एनुअली या हाफ ईयरली के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 5% पर हाफ ईयर. ठीक है, यहाँ पे पर एनम था, अब ये क्या हो जाएगा, पर हाफ ईयर्स. इसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है, इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे. प्रिंसिपल हमें गिवन है 2000, वो मैंने 2000 यहाँ लिखा. मैं आपको बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है. पहले फॉर्मूला लिखो, A इज इक्वल टू P 1 + R/100 raised to power n. वैल्यू आपको पुट करनी है, प्रिंसिपल गिवन था 2000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/100, यहाँ पे क्या आएगा, टाइम हमें गिवन है 3 हाफ ईयर्स. अब आपको इसको सॉल्व करना है. 2000 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 105/100 raised to power 3. अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पावर 3 है, इस टर्म को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. और इसमें फिर कैलकुलेशन करनी है आपको, 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा. इसके बाद 5 से कैंसिल करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10. ठीक है, 5, तो आपको ये 5 से कैंसिल करना है. इसके बाद ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू बचेगी आपके पास, 21 × 21 × 21. नीचे क्या वैल्यू है, 2 × 2, इसको आप सॉल्व करेंगे. सॉल्व करके वैल्यू आपको ये मिलेगी, डिवाइड करना है 2315.25. ये आपका क्या है, अमाउंट आया है. इसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, इन व्हाट टाइम विल 10,000 अमाउंट्स टू 14,641 एट 20% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ये भी क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 2 से डिवाइड करेंगे। इसमें जो आपको दो वैल्यूज़ गिवन है, एक प्रिंसिपल होगा एक अमाउंट होगा। जो छोटी वैल्यू है ये प्रिंसिपल है और ये क्या है अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है, टाइम हमें फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले जो वैल्यूज़ गिवन है वो आप लिखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम, बट हमें क्वेश्चन में हाफ ईयरली मेंशन है। ये देखो हाफ ईयरली है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 10% आएगा पर हाफ ईयर। टाइम आपको कैलकुलेट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला सबसे पहले आपको लिखना है, ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 रेज टू पावर एन। अमाउंट यहाँ पे गिवन है 14641 अपॉन इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमें गिवन है 10,000, वो आप लिखेंगे, 1 + R हमें गिवन है 10%, एन का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, 0 से 0 कैंसिल, 10,000 को यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये एक 0 कैंसिल होगी, तो 1 + 1/10 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 11/10 आएगा। अब देखो हमें एन का वैल्यू फाइंड करना है, एन पावर में गिवन है, तो आपको इस साइड भी पावर बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, यहाँ 11/10 है तो इस साइड भी 11/10 होना चाहिए। आप अब यहाँ देखो कितनी 0 4 0, तो 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर 10,000 आएगा, 4 times, ठीक है। ऐसे ही आपको तो यहाँ पे आएगा 10^4। अब ऊपर कैसे पावर बनाएं, 10 के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11, तो इधर भी 11 आएगा, ठीक है। बट पावर क्या आएगा, 11 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आपको वैल्यू 14641 मिलेगा। 11 को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 121 आएगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1331 आएगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। यानी 11 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4, ठीक है। नीचे अगर 10^4 है तो ऊपर भी 11^4 ही आएगा, पावर सेम आएंगी, ठीक है। इस नंबर को हमें पावर की फॉर्म में लिखना है, तो 10,000 को हमने यहाँ से चेक किया 10 है, तो यहाँ भी 10 की टर्म में आएगा, तो 10^4 हो गया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 11 है तो यहाँ भी 11 की टर्म में आना चाहिए। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 11 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि 14641 मिल जाए। हमने चेक किया 11 को 4 times मल्टीप्लाई करके हमें ये वैल्यू मिलेगी, तो 11^4 लिख दिया। अब आप कंपेयर करेंगे तो हमें एन का वैल्यू क्या मिलेगा, एन का वैल्यू 4। बट ये हाफ ईयरली में है, क्वेश्चन हमने हाफ ईयरली में सॉल्व किया, हाफ ईयर आएगा। इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ईयर्स मिल जाएंगे, 2 years, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसके बाद आप ये देखिए 9th chapter, इसमें फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले यूज़ होंगे, a² - b² इज इक्वल टू a - b, a + b, a + b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b², a - b² इज इक्वल टू a² - 2ab + b². एक्सरसाइज 9.1 में 6th, 7th, 8th और 9th, इसमें ये फर्स्ट फार्मूला यूज़ होगा। कैसे यूज़ करेंगे, 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 9a² - 16x². अब यहाँ पे 2 terms है, यहाँ भी 2 terms है, स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा हमें फर्स्ट फार्मूला यूज़ करना है। बट यहाँ पे स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे a के साथ तो स्क्वायर है बट 9 के साथ स्क्वायर नहीं लिखा, तो आप क्या करेंगे, 9 3 का स्क्वायर होता है, 3^2, ठीक है, 3 × 3, आप इसको क्या लिख सकते, 3a² माइनस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, 4x² इसके बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना है। अब देखेंगे a² - b², कंपेयर कीजिए, a क्या है 3a, b है 4x, ठीक है। आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है,
राइट हैंड साइड। इस फॉर्म में तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म में तो दिया हुआ है, फॉर्मूला यूज़ करके हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए की जगह आप क्या लिखेंगे, 3a, बी की जगह आप लिखेंगे 4x, 3a माइनस 4x इंटू 3a प्लस 4x, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आप इसी टाइप से कर सकते हैं। अब ये वाला देखिए, इसमें तीन टर्म्स गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें क्वेश्चन में इस फॉर्म में गिवन है, थ्री टर्म्स हैं, प्लस का साइन है, फर्स्ट और लास्ट टर्म में स्क्वायर है, फॉर्मूले में भी फर्स्ट और लास्ट इसमें स्क्वायर है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ये तो हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, फॉर्मूला यूज़ करके हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको एक्सपेंड करना है एक्स स्क्वायर, इसको पूरा स्क्वायर बनाना पड़ेगा। आप इसको कैसे लिखेंगे, सपोज करो एक्स स्क्वायर है प्लस 6xy प्लस 9y2, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखें, सेकेंड टर्म का थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, 9 किसका स्क्वायर है 3, तो यहाँ आएगा 3y2। यहाँ पे आपको लिखना है 2 हमेशा आएगा इनटू ये वाली टर्म इनटू ये ब्रैकेट वाली टर्म, ठीक है। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म बन गई। फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, a यहाँ पर क्या है x, b क्या है यहाँ पर 3y, a प्लस बी यानी x प्लस 3y होल स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसे आप माइनस वाला कर सकते हैं, बीच वाली टर्म में माइनस साइन है तो आपको माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। कल आपका लेसन 7 एंड लेसन 9 का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा,